हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन भुना मसाला और हम इसे बहुत ही इजी और क्विक वे में बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब की हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे आगे आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर 1 किलो मटन है तो इसको पहले हम मैरिनेट करके रखेंगे। मैरिनेशन के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल। इसको हम मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहो तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हो। अभी 2 घंटे बाद मैरिनेटेड मटन को हम कुकर में डाल के 7 से 8 सीटियाँ लगा लेंगे जब तक कि मटन 80% तक कुक हो जाए। अभी कुकर में मटन के साथ 1 कप पानी भी डाल देंगे और कुकर को बंद करके मटन को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी हमें भुना मसाला प्रिपेयर कर लेना है। तो इसके लिए हमें चाहिए सूखा लाल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, स्टार एनाइस, लौंग और जावित्री। पहले ये सारे मसालों को भुनने के बाद इसके साथ ही ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब धनिया। इसको हम एक अच्छी सी फ्लेवर आने तक भुनेंगे और उसके बाद इसको ग्राइंड करके एक मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। अभी कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल और तेल गर्म होने पे इसके ऊपर हम कुछ खड़ा मसाला डाल देंगे जैसे कि तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, लौंग, दालचीनी, सूखा लाल मिर्च। इसके ऊपर डालेंगे टमाटर, प्याज और लाल मिर्च का पेस्ट। इस मिक्सचर में 3 प्याज, 1 टमाटर और 2 लाल मिर्च मिक्स करके पीस के रख दी थी और इसके साथ ही ऐड कर रहे हैं स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अभी इस मसाले को कम से कम 30 मिनट्स तक लो फ्लेम में कुक कर लेना है और 10 मिनट तक मसाला को कुक करने के बाद जो भुना मसाला हमने बना के रख दी थी वो मसाला हम इसमें डाल रहे हैं। थोड़ा छान के डाल रहे हैं ताकि वो जो दरदरा सा हिस्सा रह जाता है मसालों में वो मुंह में ना आए। तो अभी इसको और 20 मिनट्स हमको कुक करना है। आप देख सकते हो जितना देर तक हम इस मसाला को भुनेंगे उतना इसका कलर गाढ़ा आएगा। आप देख सकते हो कितना कलर चेंज हो गया है, कलर काफ़ी डार्क हो चुका है। अब बॉयल किया हुआ मटन हम इसी मसालों के अंदर डाल देंगे। देखिए मटन एकदम 80% तक हमारा कुक हो चुका है। अब इसको बस 20 से 30 मिनट तक मसालों के साथ भून के ही हमारा प्रिपरेशन एकदम रेडी हो जाएगा। मटन में और कोई एक्स्ट्रा पानी हम नहीं ऐड करेंगे। ये जो मटन के स्टॉक निकल के आया है इसी स्टॉक से पूरा मटन एकदम बन के तैयार हो जाएगा। आधे घंटे तक हम मटन को एकदम धीमी आँच में पकाएंगे। तब तक मटन के बाकी 20% भी एकदम कुक हो जाएगा और ग्रेवी का टेक्सचर जैसे हमें चाहिए वैसे आ जाएगा। अब देख सकते हो मटन की ग्रेवी के टेक्सचर एकदम हमें जैसे चाहिए था वैसे ही आ गया है। मटन बनके एकदम तैयार हो चुका है। अभी हम गैस के फ्लेम को बंद करके इसको सर्व कर लेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक and share with your friends and family.